हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, जीन माता और सालासर बालाजी। तो हमें ये तीनों एक ही दिन में कवर करने हैं। तो हम जयपुर से निकल गए हैं अर्ली मॉर्निंग, नॉट वेरी अर्ली मॉर्निंग, आई मीन अराउंड 7। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं क्योंकि जयपुर से 80 किलोमीटर्स दूर है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पैदल भी जा रहे हैं, नंगे पैर भी जा रहे हैं, और सब ने श्याम बाबा की पताका ली हुई है जो कि हमें चलने में मदद करती है। और अब गाड़ी पार्क करने के बाद हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। तो ये बहुत ही खूबसूरत सामान की दुकानें हैं यहाँ पे, मिठाई की दुकानें, प्रसाद की दुकानें और बहुत सारा छोटा मोटा सामान, कान्हा जी की ड्रेस, वो सब मार्केट से निकल के हम पहुँच गए हैं लाइन में। श्याम बाबा को गुलाब का फूल बड़ा ही प्रिय है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बेच रहे हैं। हमने भी लिया और हम लग गए लाइन में। वैसे लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे हमें कम से कम 5 घंटे लाइन में लगना पड़ा, लेकिन आज देखिए हमारी किस्मत क्या हुई श्याम बाबा की, हमारा 1 घंटे में ही हमें दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद हम आए हैं वापस। बहुत काफ़ी भीड़ है, लेकिन कंपेरेटिवली लास्ट टाइम से कम भीड़ है। तो हम वापस आए हैं और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जीन माता, जो कि खाटू श्याम जी से ज़्यादा दूर नहीं है। 1 घंटे में ही हम पहुंच गए, और पहले नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे केबल कार भी लग गई है ऊपर जाने के लिए। अगेन गाड़ी पार्क करने के बाद हम चले हैं मंदिर की ओर। कंपैरेटिवली आज भीड़ काफ़ी कम है और हम जा रहे हैं जीन माता के दर्शन करने के लिए। वैसे इन मंदिरों में जितनी बार भी आओ, अगर आप 1-1.5 साल के बाद आते हैं तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मेरे लिए भी यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ, तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं। काफ़ी भव्य मंदिर बन गया है, पहले काफ़ी छोटा था, ज़्यादा लाइन भी नहीं थी, तो हमने जल्दी से करे माता रानी के दर्शन और इतने अच्छे से हमें दर्शन हुए। यहाँ देखिए माँ के दर्शन करने के बाद मन को इतनी शांति मिलती है, मन ही नहीं होता, लगता है यहीं पे खड़े होकर दर्शन करते रहें। लेकिन हमें जाना था आगे, और आप देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो मैंने भी दर्शन किए, भूख लगाया, और बच्चे पहले से दर्शन कर चुके थे, तो मैं भी आ गई मंदिर के बाहर। फिर हमने परिक्रमा करके और अपना व्हीकल उठा के हम निकल गए हैं आगे, हमारे लास्ट डेस्टिनेशन सालासर बालाजी की ओर, क्योंकि वहाँ से हमें वापस से आज शाम से पहले जयपुर पहुँचना है। तो मंदिर में अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, कैमरा कुछ भी, तो फिर हम वो ले जा नहीं सकते थे हमने। लेकिन बहुत ही आराम से दर्शन किए, प्रसाद लिया, भोग लगाया और हम चल पड़े वापस जयपुर की ओर। ये तीनों ही मंदिर मैं जब भी आती हूँ मुझे असीम शांति यहाँ मिलती है। और अगर आप मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट करो तो आप टाइम से घर आ सकते हो। बाय बाय।